दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों 9 नवंबर को सफायर फूड्स इंडिया का IPO खुल रहा है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। IPO के जरिए IPO लाने वाली कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती है और पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, लेकिन निवेशक भी IPO में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। हालांकि किसी भी IPO में पैसे लगाना जोखिम भरा होता है, रिस्की होता है, आपको नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी IPO में पैसे लगाने से पहले पूरी तरह से रिसर्च कर लें और खुद से फैसला करें कि आपको निवेश करना है या फिर नहीं करना है। तो इस एपिसोड में हम आपको सफायर फूड्स इंडिया के बारे में बताएंगे, उसके IPO के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों से भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए आपके पैसों से जुड़े हुए सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सफायर फूड्स इंडिया और उसके IPO की तरफ। तो KFC और पिज्जा हट का परिचालन करने वाली कंपनी है सफायर फूड्स इंडिया। भारतीय उपमहाद्वीप में यम ब्रांड्स की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है सफायर फूड्स। कंपनी ओमनी चैनल रेस्टोरेंट ऑपरेटर भी है। भारत, श्रीलंका और मालदीव में पिज्जा हट, KFC, टाको बेल के 400 से ज्यादा रेस्टोरेंट की संचालन करती है सफायर फूड्स इंडिया। कंपनी के 2019 में भारतीय उपमहाद्वीप में 376 रेस्टोरेंट थे, जो कि 2021 में बढ़कर के 437 रेस्टोरेंट हो गए। कंपनी में समारा कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स, CX पार्टनर्स और एडिलवाइस ने निवेश किया है। कंपनी सितंबर 2015 से कारोबार कर रही है। अब IPO के बारे में जान लेते हैं। IPO 9 नवंबर को खुलेगा और 11 नवंबर को बंद होगा। IPO का प्राइस बैंड है 1120 रुपए से लेकर के 1180 रुपए प्रति शेयर। 12 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 12 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 12 गुने 1180 यानी 14160 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 14 लॉट यानी 168 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 168 गुने 1180 यानी 1,98,240 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी IPO से करीब 2,073.25 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी IPO के तहत बिक्री के लिए नए शेयर जारी नहीं करेगी, केवल OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के शेयर बेचेगी। OFS के एक हिस्से के रूप में QSR मैनेजमेंट ट्रस्ट 8.50 लाख शेयरों की बिक्री करेगा। इसी तरह सफायर फूड्स मॉरिसस लिमिटेड 55.69 लाख शेयर, WWD रूबी लिमिटेड 48.46 लाख शेयर और एमेथिस्ट 39.62 लाख शेयरों की बिक्री करेंगे। इसके अलावा AAJV इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 80,169 शेयर बेचेगा, जबकि एडेलवीज क्रॉस ओवर अपॉर्चुनिटीज फंड 16.15 लाख शेयरों की बिक्री करेगा। इसके साथ ही एडेलवीज क्रॉस ओवर अपॉर्चुनिटीज फंड सीरीज 2 6.46 लाख शेयरों की बिक्री करेगा। IPO अलॉट की तारीख है 16 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 17 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 18 नवंबर को। IPO शेयर्स की लिस्टिंग होगी 22 नवंबर को और शेयर्स BSE और NSE पर लिस्ट होंगे। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QIB के लिए, 15% हिस्सेदारी NII के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस IPO का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड और JM फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। इस IPO का रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी ने कहा है कि निवेशकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बोली लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया बैंक खाता उनके परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN यानी पैन से लिंक्ड हो।
30 जून 2021 तक कंपनी में 7020 स्थायी कर्मचारी और 36 सलाहकार और संविदा कर्मचारी थे, जिनमें से ज्यादातर फाइनेंस फंक्शन के तहत काम करते हैं। इससे पहले केएफसी और पिज्जा हट की भारत में एक और बड़ी ऑपरेटर कंपनी देवयानी इंटरनेशनल अगस्त में ही अपना 1838 करोड़ रुपए का आईपीओ ला चुकी है। तो आपने जाना सफायर फूड्स इंडिया के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में। अब आईपीओ में कैसे निवेश करना है ये भी जान लीजिए। हालांकि जो लोग पहले से ही आईपीओ या शेयर मार्केट से आईएफपीओ वगैरह में निवेश करते आ रहे हैं उनको मालूम है कि कैसे निवेश किया जाता है, लेकिन जो लोग नए हैं और सफायर फूड्स इंडिया के आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं। तो किसी भी आईपीओ, शेयर मार्केट, राइट्स इशू, एफपीओ वगैरह में निवेश करने के लिए निवेशक के पास बैंक सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो बैंक में खुलवाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड और स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर यानी शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो आईपीओ से संबंधित कोई भी फॉर्म आपको आपके डीमैट अकाउंट में ही मिल जाएगा और उस फॉर्म में जो जानकारी मांगी जा रही है वो जानकारी भर दीजिए। अगर आपको आईपीओ फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करें। तो ये रही सफायर फूड्स इंडिया और उसके आईपीओ के बारे में जानकारी। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेजॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो जिंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।